अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? रमज़ान हो और इफ्तार टेबल पे पकोड़े ना हो तो मज़ा कैसा। इसलिए आज जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक गाजर काट लेनी है आपने, और साथ में शिमला मिर्च दो लेनी है, वो काट लें, और प्याज डाल लें। याद रहे आप किसी भी किस्म की सब्ज़ी डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल लें, किसी भी किस्म की जो सीजनल वेजिटेबल है वो आप डाल सकते हैं। अब स्पाइसेस डाल लें, जिसमें नमक हसबे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 से 2 टीस्पून, जैसे आप चाहें, जितना टेस्ट आप चाहते हैं, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, दादर मिर्च जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं वो 1 टीस्पून, और 1 से 1.5 कप बेसन। आप इन सब को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दें। थोड़ी देर के लिए इसलिए रखना है ताकि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ दे और उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। और फिर इसमें पानी डाल दें, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। बनाने के 5 मिनट पहले आपने बेकिंग सोडा डालना है, जो मीठा सोडा होता है वो डाल के फ्राई स्टार्ट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्राइंग। ये बहुत ईजी और मज़ेदार रेसिपी है, रमज़ान में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 से 7 मिनट तक दरमियानी आंच पे आप इसको पकाएं, फ्राई करें और फिर डिश आउट कर लें। व्यूअर्स, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक और अच्छा से कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।